गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लेट अस बिगिन। मित्रों, कल मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स के ऊपर के क्वेश्चंस थे। इसके आगे जो भी मैं एमसीक्यूज पोस्ट करने वाला हूँ वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स पे ही होंगे। इसके दो एडवांटेज होंगे, एक तो आपकी अमेंडमेंट्स भी रिवाइज हो जाएगी और दूसरा तो आपको ये भी पता चलेगा कि अमेंडमेंट के ऊपर किस प्रकार के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन पहले रीड करते हैं आपके लिए। हाउ मेनी प्रॉपर्टीज कैन बी परचेस्ड टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 इफ द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज लेस देन ₹2 करोर्स। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 54 है क्या। सेक्शन 54 जो है वो कैपिटल गेन के डिडक्शन का सेक्शन है। अब सब लोग जानते हो कि कैपिटल गेन के दो टाइप्स होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोनों भी फुल्ली टैक्सेबल हैं, लेकिन कुछ केसेस में एग्जम्पशन दिए हैं और कुछ केसेस में डिडक्शन। डिडक्शंस, ऑल द डिडक्शंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 देर आर वेरियस सब सेक्शंस। तो सबसे पहले हम सेक्शन 54 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सेक्शन 54 पे ही है और उसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है। लेकिन अमेंडमेंट डिस्कस करने से पहले सेक्शन 54 क्या है ये समझते हैं। सेक्शन 54 में ये कहा गया है, अगर आपके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और वो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए अगर आपने ये रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के रेसिडेंस के लिए किया है और बाद में आप इसको सेल करते हो, सेल करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है दैट इज एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। लेकिन डिडक्शन तब मिलेगा जब आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट की रकम से नई हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक तो परचेस करते हो या नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट करते हो। तो आपको डिडक्शन पाने के लिए एक तो नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है, नहीं तो परचेस करनी है। फाइनेंस एक्ट 2019 से पहले आपको एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस करना या कंस्ट्रक्ट करना अलाउड था, यानी एक घर बेच के एक ही घर खरीदना अलाउड था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 ने इसमें अमेंडमेंट की और ये बताया है कि आपने एक घर बेचा है, वो घर बेच के अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप एक नहीं दो घर खरीद सकते हैं। यहां पर जो डिडक्शन सेक्शन 54 ने दिया है, अमेंडमेंट से पहले एक ही घर के लिए डिडक्शन दिया था, अमेंडमेंट के बाद आपको दो घरों के लिए डिडक्शन मिल रहा है। मित्रों, इसका सही जवाब जो है ना वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सो यू कैन परचेस टू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 54। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, तो अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब ये जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, इसकी बहुत सारी जगह इनकम टैक्स में अमेंडमेंट की है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अमेंडमेंट पे ही है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द लिमिट ऑफ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी शैल बी। अब ये क्वेश्चन आपके रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के टॉपिक का क्वेश्चन है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में दो प्रकार की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी, नहीं तो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यानी जिसमें आप खुद रहते हो, लेट आउट यानी आपने ये किराए पर दी है, तो ये क्वेश्चन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमने डिस्कशन किया था, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनएवी निल होगा, यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम तो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स का डिडक्शन मिलता है। अब उसके लिए भी लिमिट है, अगर आपने लोन 1/4/1999 के बाद लिया है तो यू आर एंटाइटल्ड फॉर ए डिडक्शन ऑफ ₹2 लाख इफ द लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो मित्रों, अब ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको बता दें कि हाउस प्रॉपर्टी में पहले हमें ऑप्शन था सिर्फ किसी एक ही घर को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते थे, यानी प्रावधान क्या है, जिन लोगों के एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, समझो आपके 3 घर हैं तो 3 घर में से और तीनों घरों का इस्तेमाल आप खुद के रेसिडेंस के लिए करते हो, ये आपने किराए पर नहीं दिया है, तो 3 घरों में से किसी एक घर को ही आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी करके ट्रीट करना था और बचे हुए 2 घरों को आपको डीम लेट आउट करके ट्रीट करना था, तो ये इनकम टैक्स की प्रावधान थी। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 ने अमेंडमेंट करके ये बता दिया है कि अब आप 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, यानी समझो आपके पास 3 प्रॉपर्टी हैं तो 3 में से किसी भी 2 प्रॉपर्टीज को आप आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान सकते हो। ठीक है, सो ये बेनिफिट आया है, ये बेनिफिट फाइनेंस एक्ट 2019 ने लाया है। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन अब क्या होने वाला है, अगर मेरे 2 घर हैं और दोनों मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं और दोनों के लिए मैं अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्लेम करता हूँ तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का डिडक्शन मैक्सिमम 2 लाख मिलता है,
तब समझो मेरा हाउस वन और हाउस टू है, दोनों हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दोनों हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने लोन लिया था। अब ये फर्स्ट हाउस के लोन के ऊपर का इंटरेस्ट 3 लाख रुपीज़ है और सेकेंड हाउस के लोन के ऊपर का इंटरेस्ट 4 लाख है, तो क्या मुझे ये प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के लिए 2 लाख का डिडक्शन और ये प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट के लिए 2 लाख का डिडक्शन, यानी टोटल डिडक्शन अब मुझे 4 लाख का मिलेगा क्या? ठीक है सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अभी मुझे दो प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ ऑक्यूपाइड करके ट्रीट करना अलाउ किया है, तो दो प्रॉपर्टी के लिए मैंने लोन लिया है, दोनों प्रॉपर्टी पे मेरा लोन है और दोनों प्रॉपर्टी के लोन के ऊपर का इंटरेस्ट मेरा 2-2 लाख से ज़्यादा है, तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए अगर हम 2-2 लाख का लिमिट लेते हैं तो टोटल मुझे इंटरेस्ट का डिडक्शन 4 लाख मिलेगा। तो इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि अगर आपकी दो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और दोनों प्रॉपर्टीज के लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना चाहते हो तो मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन लोगे आप? तो पहला ऑप्शन था ₹1 लाख पर प्रॉपर्टी, ऐसे प्रावधान है क्या? यानी जो डिडक्शन का इंटरेस्ट का 2 लाख का जो लिमिट था वो अब बढ़ गया है क्या? एक प्रॉपर्टी के लिए 1 लाख, दूसरे प्रॉपर्टी के लिए 1 लाख, ऐसे है क्या? या सेकेंड ऑप्शन ₹2 लाख पर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 2 प्रॉपर्टीज, यानी हर एक प्रॉपर्टी के लिए 2-2 लाख का लिमिट है, या थर्ड ऑप्शन ये है दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के मैक्सिमम 2 लाख का लिमिट है, या थर्ड ऑप्शन सॉरी फोर्थ ऑप्शन ₹30,000 पर प्रॉपर्टी। ये 30,000 का तो लिमिट नहीं हो सकता, 30,000 का लिमिट कब अप्लीकेबल है? इफ द लोन इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया होगा तो ऐसे केस में 30,000 का लिमिट अप्लीकेबल है। तो मित्रों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब 90% जनता ने दिया है ऑप्शन सी, जो बिल्कुल सही जवाब है। दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन हमको 2 लाख मिलेगा, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आई होप ये अमेंडमेंट भी आपको समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में एज पर सेक्शन 23 द असेसी इज एंटाइटल्ड टू ऑफ डायरेक्ट हाउस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब इसका आंसर तो मैंने ऊपर ही डिस्कस किया है कि असेसी को अभी दो प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी करके क्लेम करने का फाइनेंस एक्ट 2019 ने परमिशन दिया है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। 77% जनता ने ऑप्शन बी को चुना है जो बिल्कुल सही जवाब है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि 90% जनता ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर सी देती है और यहाँ पे 77% जनता ये वाले क्वेश्चन का आंसर बी देती है, तो वो बीच में जो 13% जनता है वो कैसे मिस कर गई इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया। ठीक है कोई बात नहीं। सो याद रखना दो प्रॉपर्टीज को आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिलता है मित्रों। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) अगेंस्ट सैलरी इनकम है, इसमें भी हुआ है अमेंडमेंट। सैलरी के टॉपिक में आप सब लोग जानते हो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1(a) में अमेंडमेंट हुई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 40,000 का ग्रॉस सैलरी के अगेंस्ट मिलता था अब वो चेंज होकर 50,000 हो चुका है। सो ये याद रखना है। ठीक है चलो। सो इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी है। 63% जनता ने ऑप्शन सी को चुना है जो बिल्कुल सही जवाब है। 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको। उसके बाद द टोटल इनकम लिमिट टू क्लेम रिबेट अंडर 87A फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इज, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए रिबेट अंडर सेक्शन 87A का लिमिट कितना है? तो रिबेट क्लेम करने का लिमिट 87A के तहत वो हो गया टोटल इनकम का 5 लाख रुपया मित्रों। सो पहले ये जो लिमिट था 3.5 लाख रुपए का था वो चेंज होके 5 लाख हो चुका है। सो प्लीज याद रखिएगा ये अमेंडमेंट को भी, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 87A में आपको रिबेट मिलता है तब अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपया या उससे कम है। रिबेट की अमाउंट है ₹12,500 और द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लेस। इफेक्टिवली जिनकी इनकम 5 लाख रुपया या इससे कम है उन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स लाइबिलिटी निल ही हो जाती है। सो ये अमेंडमेंट की वजह से 5 लाख रुपए तक के इनकम पे आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट योर इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। सो आई होप सारी अमेंडमेंट्स आपकी क्लियर है। इफ इन केस आपको अगर कोई डाउट है, किसी अमेंडमेंट में कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको, तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो